टायरों का कब्रिस्तान। कभी जो 2 वर्ग किलोमीटर में फैला एक कबाड़खाना था, अब उस इलाके में आम लोगों के रहने लायक शहर बसाया जाना है। खाड़ी देश कुवैत में एक नए तरह का शहर बनाने पर काम चल रहा है। पिछले 17 सालों से देश के उत्तरी हिस्से में बसा राहिया इलाका पुराने बेकार टायरों का डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था। इकट्ठा होते होते एक समय पर यहाँ 4 करोड़ से ज्यादा टायरों का कचरा जमा हो गया था। हम अब कभी यहाँ कोई टायर फेंकने की अनुमति नहीं देंगे, उन सब की रिसाइकलिंग होगी। हम वो सब कुछ करेंगे जो यहाँ के सारे कचरे की अल सालमी में रिसाइकलिंग कराने के लिए जरूरी है। पिछले 10 सालों के अंदर यहाँ 3 बार आग भी लगी। उससे निकले धुएं के कारण पर्यावरण में काफी गंदगी घुल गई। जमीन और हवा दोनों को खराब करते इस कचरे के अंबार से छुटकारा पाने के लिए प्रशासन ने नया रास्ता निकाला। योजना बनी कि कुवैत के अल जहरा प्रांत से 5 किलोमीटर दूर स्थित इस लैंडफिल को खाली किया जाएगा। इतने भारी कचरे को वहां से हटाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। राहिया इलाके से 4 करोड़ से ज्यादा टायरों को अल सालमी बॉर्डर एरिया में पहुंचा दिया गया है। अब सालमी में ही उनकी रिसाइकलिंग होगी, यानी करीब 507,000 टन वजन के टायरों को राहिया से सालमी पहुंचाने में 44,000 से ज्यादा चक्कर लगाने पड़े। अल सालमी कुवैत के बड़े औद्योगिक इलाके के पास बसा है। करोड़ों टायरों का अस्थायी ठिकाना यही है, लेकिन इस कचरे से बहुत कुछ काम का बनाने की योजना है। रबड़ के टायरों को रिसाइकिल करके उनका फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। इस काम का ठेका एक स्थानीय कंपनी को दिया गया है। वो इन टायरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर स्थानीय तौर पर इस्तेमाल के लायक बनाने और निर्यात किए जाने के उपायों पर काम कर रही है। कंपनी एक साल में 10 लाख टायरों को फिर से काम में लाने लायक बनाने की क्षमता रखती है। फैक्ट्री में कई तरह के मटेरियल बनते हैं, जिनमें टाइल्स हैं, खेल के मैदान में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है, फुटपाथ पर बिछाने वाला और दूसरे ढांचों में लगने वाली चीजें हैं। इस जगह पर कुछ भी नया बनाने के लिए पहले कचरे से अटे पड़े इलाके को खाली करना जरूरी था, जिसका काम पूरा कर लिया गया है। अब यहाँ साद अल अब्दुल्ला शहर बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि टायरों के कब्रिस्तान में इंसानों की रिहाइश बसाई जा सके।